नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन अपने साथी सौरभ सिंह के साथ। तो जैसा कि पता है आपको, आगामी 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो जाएगा और नवरात्र के शुरू होते ही रामलीला का मंचन भी पूरे देश में शुरू हो जाता है। ग्रेटर नोएडा भी उससे अछूता नहीं है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5 जो अच्छर के नजदीक है, रामलीला मैदान, यहाँ पे भी श्री धार्मिक रामलीला कमेटी सन 2011 से रामलीला का आयोजन करती चली आ रही है। इस बार भी रामलीला का भव्य आयोजन श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के द्वारा किया जाएगा और इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है इस रामलीला में। तो इस वीडियो को आप लगातार अंत तक देखें क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे कि क्या खास होने वाला है। इस वक्त हम ठीक हैं रामलीला मैदान में। अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है और एक ट्रेलर जो है पहली बार जो है लॉन्च किया गया है, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी ने लॉन्च किया है। तो आपके प्रतिनिधि के रूप में शासन कार्य करूंगा। धर्म रक्षा के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह भी धर्म ही कहलाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये पीछे ठीक मेरे आप देख सकते हैं स्टेज। सो सबसे बड़ा स्टेज जो है कमिटी के द्वारा दावा किया जाता है कि देश का यह सबसे बड़ा स्टेज है। 7 एक्टिंग एरिया इसमें होगा और यहाँ पे जो मैं खास बात आपको बता रहा था कि इस बार क्या खास होने वाला है, तो 3 LED जो है बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे लगने वाली है, जिससे जो दर्शक यहाँ पे आएंगे उन्हें थिएटर सा आभास होगा कि वो थिएटर में बैठे हैं। कुछ ऐसे प्रसंग थे, खास करके जब राम वनवास है उसमें कुछ ऐसे प्रसंग थे जिसे मंचित यहाँ पे लिमिटेशन थी, मंचित नहीं किया जा सकता था, नहीं की कर पा रही थी कमिटी, तो उसे यहाँ पे मंचित किया जाएगा। और लगभग 100 कलाकार यहाँ पे, 100 से ज्यादा कलाकार यहाँ पे आने वाले हैं। जहां तक बात की जाए फिर मैं स्टेज की, मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा एक बार स्टेज फिर दिखाएं। तो ये 325 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा बहुमंजिला स्टेज है और साउंड एंड लाइट मतलब आधुनिक प्रकाश और ध्वनि का अद्भुत मिश्रण के साथ जो है इसका जो यहाँ पे जो है 100 से अधिक कलाकार ये मंचन करेंगे। जो ग्राफिक की रामला है जो LED के द्वारा होगी उसका टेलर बनाया है, उसका टेलर भी हम आपको दिखाएंगे। उसका टेलर का भी आज लॉन्चिंग कर रहे हैं। टेलर का कुछ चीजें जैसे श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास किया था और 14 वर्ष का वनवास में हम कुछ चीजें दिखा नहीं पाते थे, तो वो ग्राफिक के माध्यम से इस बार हमने पूरा वो लिया है, पूरा प्रसंग लिया है पूरा। जो चीफ गेस्ट आदरणीय योगी हमारे मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी को निमंत्रण दिया है। उप मुख्यमंत्री जी को, ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी को निमंत्रण दिया है, आने की संभावना है। अपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को निमंत्रण दिया है और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को निमंत्रण दिया है, आने की संभावना है। और 60 वर्षों का अनुभव जो है इसे विश्व स्तरीय बनाता है। 60 वर्ष का अनुभव मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो पूरा रामलीला होता है, धार्मिक रामलीला का मंचन, ये गोस्वामी सुशील जी महाराज के निर्देशन में होता है। वो इसके निर्देशक हैं। उनके कलाकार आगामी अक्टूबर में ही अयोध्या में भी जाएंगे, अयोध्या में भी रामलीला मंचन उनकी टीम करेगी। तो एक विश्व स्तरीय रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, आगामी 3 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा। जो 12 अक्टूबर है वो विजयदशमी का दिन होगा। यहाँ पे जो है यहीं पे ठीक मैदान में यहीं पे रावण, मेघनाथ और कुंकर्ण का पुतला, रावण का जो पुतला होगा वो 60 फुट, कुंभकर्ण का 55 फुट और मेघनाथ का 50 फुट का पुतला यहाँ बनाया जाएगा। यहाँ पे उनका दहन किया जाएगा, भव्य आतिशबाजी की जाएगी, अंधकार पे प्रकाश के विजय का संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ झूले दिख रहे होंगे तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो है भव्य राम लीला का ये मुख्य आकर्षण होगा और देश के विभिन्न संस्कृतियों से जो हस्तशिल्प है उसके यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। शानदार भव्य झूले आप देख रहे हैं, उनको भी सुनियोजित ढंग से यहाँ पे लगाया जा रहा है ताकि जो खान पान का भी स्टॉल्स यहाँ होगा, ताकि जो बच्चे आते हैं वो झूला भी झूल सकें, लोग आते हैं वो रामलीला
के मंचन का लुत्फ उठाने के साथ साथ अपना मनोरंजन भी कर सकें और खाने का भी लुत्फ उठा सकें। और कुछ क्या है इसके बारे में, हम आपको अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। ये हमारी धार्मिक रामलला कमेटी बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमें परम आदरणीय परम पूजनीय श्री सुशील गोस्वामी जी महाराज जी का जो सानिध्य मिला है, इनकी वजह से जो भी कमेटी कर पाती है उसका सारा श्रेय गुरु जी को जाता है। और गुरु जी हमारे महामंडलेश्वर की उपाधि से अभी अभी जो है ना श्रोमणी दी गई है, बहुत बड़े महामंडलेश्वर बने हैं जो संसार में पहले हैं। गुरु जी वर्ल्ड में पहले हमारे महामंडलेश्वर हैं, इनसे बड़ा कोई महामंडलेश्वर नहीं है। और इनके जीवन के 59 वर्ष रामलीला का मंचन करते करते बीत गए, तो इन्होंने जो रामलीला में जो कार्य किए हैं उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। जो हमें अयोध्या में जो काम करने के लिए मौका मिला है, मंचन का जो मौका मिला, वो गुरु जी के अपने प्रयास से मिला है, अपनी कला से मिला है, अपने मेरिट के आधार पर मिला है। और जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम आपकी बार ग्राफिक्स हमारे होंगे, एलईडी लगेंगी, ये पहली बार एलईडी का हमारे यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, जो पहले पिछले वर्षों की भांति उससे बहुत ज्यादा हमारा बेहतर होगा। अभी जब कल्पना है, जब सामने होगा, तो बहुत अच्छा हमारा मंचन होगा, उसका बहुत अच्छी दृश्य निकल के आपकी बार आएंगे, दृश्य भी बढ़ाएंगे गुरु जी ने कुछ आपकी बार। तो हमारी पूरी रामलला कमेटी गुरु जी की आभारी है, और आप लोगों से हमारा ये विनम्र निवेदन रहता है, आप हमारी सारी बातों को ठीक ठाक तरीके से छापते हैं ताकि लोगों में मैसेज जाए और सब राम राज के चरणों पर चलें, उनके कदमों पर चलें, उनका आचरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जहां तक रामलीला मैदान है, काफी बड़ा ये मैदान है और यहाँ पे लगभग 5000 लोग के सिटिंग की व्यवस्था होगी। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, कुर्सी यहाँ पे आ चुकी है, सोफे भी आ गए हैं जो यहाँ पे लगाए जाएंगे, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा होने वाला है और लगभग 5 की तादाद में एक साथ यहाँ पे बैठने की कैपेसिटी बनाई जा रही है। स्क्रिप्ट किसी की नहीं है कि जिसमें मर्यादाओं को पूर्ण रूप से देखा गया है, फिर भी ट्रैक में परिवर्तन है। राम राज्य के दृश्य जो पिछली बार भी नहीं दिखा पाए हम, इस बार वो बढ़ा दिए गए हैं और इसको राज्य तिलक तक नहीं, राम राज्य तक ले गए हैं, वो भी 4 सीन बड़े हैं, उसमें थोड़ा बढ़ाया गया है, क्योंकि अब हम रामलीला के बाद क्या कहते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो वहां तक इस बार हमने बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। हमारा चयन हो तो वही डेट हमारी वहां होती है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया, हमने कलाकारों से कहा तो वो तो आ ही रहे हैं, प्लस 4 लोग बंबई से आ रहे हैं जो विशेष तौर पे आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट है या ग्राफिक के काम को करने वाले टेक्नीशियंस नए आ रहे हैं। और आप देखिए लाइट साउंड और ग्राफिक का जो खर्चा करते हैं हमारे आनंद भाटी जी, वो 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है, और ये भी एक चिंता का विषय है, मगर विश्वास प्रभु राम पर है कि हम धन के अभाव में आकर कभी अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने जो इतिहास रचा है, मेरी उम्र का दूसरा व्यक्ति नहीं है मेरे भारत में इसने लगातार 59 ईयर्स नॉन स्टॉप रामायण का आधुनिकीकरण किया हो, तो मुझे पुरस्कार जो मिलता है वो आप लोगों के और दर्शकों में मैं श्री राम का दर्शन करता हूँ। मेरा पुरस्कार सबसे बड़ा है कि मैं खुद लगकर अब स्वयं अपना प्रयास करके उसको करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। हम सबका ये कर्तव्य है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ की इस साल का मंचन एक इतिहास रच दे, ये मैं चाहता हूँ, और हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये अद्भुत रामलीला होने वाली है और खास करके मुख्य आकर्षण जो इस बार रामलीला का है वो निश्चित रूप से एलईडी जो स्क्रीन है वो रहेगी, जिसमें उन प्रसंगों को मंचित किया जाएगा जो आज तक मंचित कमेटी के द्वारा नहीं किया जा सका है। तो आप जरूर आए, ये रामलीला जो है ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से, उनके मिश्रण के माध्यम से आधुनिक रामलीला आपको यहाँ पे सेक्टर 5 जो एक्चर के पास है ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे रामलीला मैदान है, यहाँ पे इसका भव्य मंचन किया जा रहा है। आप आए, इसे देखें, अपने परिवार के साथ आए, बच्चों को भी साथ लाएं और रामलीला मंचन का लुत्फ उठाएं। कैमरा पर्सन सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।